राजधानी में बार बार हो रही सड़क दुर्घटनाओं से पुलिस प्रशासन ने लगता है कोई सबक नहीं लिया है। नो एंट्री के बावजूद भी शहर की व्यस्तम सड़कों पर ट्रक बेधड़क दौड़ रहे हैं। पत्रिका टीम ने रात 10 बजे पहले मौके पर जाकर रियलिटी चेक किया तो यातायात नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आईं। पेश है पत्रिका टीवी की ये खास रिपोर्ट। अभी 10:30 बज रहे हैं और नो एंट्री 11 बजे खुलती है, लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि ये 10:30 बजे ट्रक सिटी के अंदर एंटर हो रहे हैं और यहाँ चौराहे पे पुलिस भी तैनात है, लेकिन इनको रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। राजधानी की सड़कों पर दौड़ते ये ट्रक न जाने कितने घरों के चिराग बुझा चुके हैं, इसके बावजूद नो एंट्री में भी इनका आना बदस्तूर जारी है। पुलिस के दावों की सच्चाई जानने के लिए पत्रिका टीम ने जब शहर के B2 बाईपास, विश्वकर्मा, ट्रांसपोर्ट नगर और 200 फीट एक्सप्रेस हाईवे चौराहा का जायजा लिया तो यह हकीकत सामने आई। यहां रात 11 बजे बाद भारी वाहनों की एंट्री होती है, लेकिन पुलिस की लापरवाही से ये ट्रक पौन घंटे पहले ही शहर में घुस जाते हैं। ये शहर का B2 बाईपास चौराहा है टोंक रोड पर, और यहाँ पे कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी है और कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन रात अपन 10:30 बजे देखते हैं तो भी यहाँ कोई पुलिसकर्मी तैनात नहीं मिल रहा है और बेधड़क ये ट्रक नो एंट्री के अंदर दाखिल हो रहे हैं और जो शहर का जो ट्रैफिक है हल्का दुपहिया वाहन कार चालक, तो इनके ट्रकों के बीच में भी इनको बड़ी मुश्किल से निकल के जाना पड़ रहा है। ट्रक चालक एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में वाहन रफ्तार में दौड़ाते और दुपहिया वाहन चालक इनसे बचने की जुगत लगाते नजर आए। सांगानेर से B2 बाईपास चौराहा पर एंट्री के लिए खड़े दर्जनों ट्रक एक के बाद एक कर नो एंट्री में घुसते चले गए, लेकिन इन्हें एंट्री पॉइंट पर और ना ही शहर के अंदर किसी ने रोका। 200 फीट एक्सप्रेस हाईवे चौराहा से सोडाला की तरफ भारी वाहनों का प्रवेश रात 11 बजे तक निषेध है, इसके बावजूद भारी वाहन नो एंट्री में सड़पट दौड़ते नजर आए। लोगों ने बताया कई भारी वाहन BRTS कॉरिडोर में से ही निकलते हैं, लेकिन इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। नो एंट्री भारी वाहनों की लाइटों में दुपहिया वाहन सवार की आंखें चुंधिया जाती है और उसे नजर नहीं आता, इससे दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। समय से पहले शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश पर लोगों ने कई बार पुलिस से शिकायत भी की, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यातायात पुलिस की कार्यप्रणाली से लगता है जैसे इन्हें फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।